फोटॉन्स के बाद ये पार्टिकल्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आखिर इन घोस्ट पार्टिकल्स में ऐसा क्या है कि हम इंसान इनके बिना जी ही नहीं पाएंगे। एक सच्चाई ये भी है कि न्यूट्रिनोज हमारे चारों तरफ मौजूद है। दोस्तों, हमारा सूरज जो सोलर सिस्टम का सेंटर है, जानते हो वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज करता है? वेल, ये नंबर है 3.78 × 10⁶ जूल्स। अब लाइट के फॉर्म में फोटॉन्स की ये बारिश तो हमारी पृथ्वी पर लगातार हो ही रही है, और यही पृथ्वी पर लाइट और एनर्जी का सोर्स भी है। पर क्या आप जानते हो कि लाइट फोटॉन्स के अलावा हमारा सूरज हर एक सेकंड में 10⁸ न्यूट्रिनोज को भी एमिट कर रहा है। इनफैक्ट अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस समय आपके शरीर से हर सेकंड 1 करोड़ से ज्यादा न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये पार्टिकल्स आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब मूवीज में आपने वो भूत तो देखे होंगे जो दीवारों के आर पार निकल जाता है और इंसानों के भी बीच से गुजर जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में वो भूत न्यूट्रिनोज ही होते हैं, और इसीलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये पार्टिकल्स इतने छोटे, हल्के और नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं कि पृथ्वी के 12,742 किलोमीटर्स के डायमीटर से गुजरने के बाद भी इनकी किसी दूसरे पार्टिकल से टक्कर कभी नहीं होती। इनफैक्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम 1 लाइट ईयर्स थिक एक बड़ा सा दीवार भी बना देना, जो कि ऑब्वियसली एक मेटल का बना हो और जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो, फिर भी न्यूट्रिनो का एक पार्टिकल उस दीवार को भी बिना दूसरे पार्टिकल से टकराए पार कर जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये इंटरैक्ट ही नहीं करते तो इनकी किसी से रिएक्शन भी नहीं होती, और ये यूनिवर्स में कुछ बनाते भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इनका काम क्या है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूट्रिनोज के बिना हम इंसान जीवित ही नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, लिटरली हम कभी जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन आखिर कैसे? वेल, देखो दोस्तों, भले ही आप न्यूट्रिनोज को अपनी आंखों से नहीं देख सके या फिर यूनिवर्स की वर्किंग में ये कोई सिग्निफिकेंट रोल ना निभा रहा हो, पर एक सच्चाई ये भी है कि न्यूट्रिनोज हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब फोटॉन्स के बाद ये पार्टिकल्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं। जब एक मैसिव स्टार की मौत होती है और उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ना, तो एक्सप्लोजन की 98% एनर्जी को लाइट के फोटॉन्स नहीं बल्कि न्यूट्रिनोज ही कैरी करते हैं। पर क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता और ये किसी चीज से इंटरैक्ट भी नहीं करते, इसीलिए हम इसे आसानी से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि फिर हमने न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट ही कैसे किया जब ये किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करते। मतलब देखो, अगर वो हमारी बॉडी के बीच से बिना इंटरैक्शन करके निकल सकते हैं, तो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बीच से भी तो वो आराम से निकल सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, इसका क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वुल्फगैंग पॉली को। साल 1930 में जब वो बीटा डीके की एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने न्यूट्रिनो के बारे में बताया। तो चलिए, सबसे पहले तो बीटा डीके और इस मिस्ट्री के बारे में जानते हैं। नाउ इमेजिन करो कि एक एटम है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, पर शायद प्रोटॉन्स थोड़े से कम हैं। तो ये एटम बेटर स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो को बेहतर करने की लगातार कोशिश करेगा, और इसके लिए ये एक न्यूट्रॉन को ही प्रोटॉन में बदल देगा। इसे ही बीटा डीके कहा जाता है। लेकिन देखो, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एटम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायोलेशन हो जाएगा, करेक्ट? और इसीलिए न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट करता है, जिससे कि एक एटम में चार्ज बैलेंस्ड रह सके। अब दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल चार्ज और मास तो सेम ही होता है, इसलिए हर प्रोटॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसे भी एक सा ही होना चाहिए था। पर वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि कभी ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी कैरी करता है और कभी थोड़ी सी कम। अब यहाँ पर साफ साफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन हो रहा है, यानी कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। और इसका सोल्यूशन देते हुए पॉली ने कहा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ कोई दूसरा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है जो हर बार एक वेरिएबल एनर्जी के साथ रिलीज होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बैलेंस करता है। पर इस पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर से बिगड़ जाएगा, और क्योंकि हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वीकली इंटरैक्टिंग भी होना चाहिए। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि साल 1930 में न्यूट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी,
वुल्फगैंग पॉली ने न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों को एज्यूम किया था। अब साल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और उसी सेम साल एनरिको फर्मी ने न्यूट्रिनो को भी इसका नाम दिया। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने में करीब 25 और सालों का समय लग गया, क्योंकि एज वी नो न्यूट्रिनो एक वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल है। अब साल 1956 में क्लाइड कोवान और फ्रेडरिक राइनिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कोवान राइनिस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने 10 टन का एक डिटेक्टर बनाया और उसे एक पावरफुल फ्यूजन रिएक्टर के पास रख दिया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिनोज रिलीज हुए, जिनमें से कुछ को उनका डिटेक्टर डिटेक्ट करने में कामयाब हुआ। नाउ पॉइंट ये है कि न्यूट्रिनोज जीरो इंटरैक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि वीकली इंटरैक्टिव होते हैं। अब अगर हम एक बहुत बड़ा डिटेक्टर बना दें और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिनोज को पास किया जाए तो कुछ न्यूट्रिनोज तो जरूर उससे इंटरैक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन सवाल ये था कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान ये न्यूट्रिनोज कैसे निकलते हैं। वेल, इसका जवाब हमें अपने सूरज को ऑब्जर्व करके मिल सकता है, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। अब जब सूरज की कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में बदलता है ना, तो इस प्रोसेस के दौरान 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनोज भी एमिट होते हैं। अब दोस्तों, सूरज के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कैसे होती है, ये काफी बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपके दिमाग में अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर न्यूट्रिनोज के साथ पॉजिट्रॉन्स भी एमिट हो रहे हैं तो पृथ्वी तक ये पॉजिट्रॉन्स क्यों नहीं पहुंचते हैं और पॉजिट्रॉन्स यूनिवर्स में इतने कॉमन क्यों होते हैं। तो दोस्तों देखो, पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ही ये सूरज की कोर से होते हुए मिडिल लेयर में पहुंचते हैं तो इनका सामना इलेक्ट्रॉन से हो जाता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स के टकराने से दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं और इसके बदले में एनर्जी एमिट होती है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है और हाई एनर्जी गामा रेज एमिट होती है। अब ये गामा रेज जब तक सूरज की सरफेस से बाहर निकलती है तब तक इनकी हाई एनर्जी लो हो चुकी होती है और ये हमें विजिबल लाइट के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। मतलब यूनिवर्स में न्यूट्रिनोज आखिर आ कहां से रहे हैं, इसका सोर्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, पर दोस्तों ये न्यूट्रिनोज के सोर्स से भी ज्यादा मिस्टीरियस है इसका मास, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी ही उलझन बनी हुई है। अब जरा विकिपीडिया पर मौजूद इस आर्टिकल पर नजर डालिए जिसका टाइटल है सोलार न्यूट्रिनो प्रॉब्लम। अब देखो, इस आर्टिकल के अनुसार सूरज की ल्यूमिनोसिटी के आधार पर प्रिडिक्टेड सोलर न्यूट्रिनोस के फ्लक्स और डायरेक्टली मेजर्ड सोलर न्यूट्रिनोस के फ्लक्स में खासा अंतर देखने को मिलता है। अब चलो मैं इसी स्टेटमेंट को आसान शब्दों में समझाता हूँ। हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशन इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सूरज से आती लाइट के आधार पर यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर आखिर कितनी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होगा। अब इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में फ्यूज हुए होंगे और वहां से कितने न्यूट्रिनोज एमिट हुए होंगे। मतलब हमें सूरज से आते न्यूट्रिनोज का नंबर पता है, लेकिन ये पृथ्वी पर आने वाले न्यूट्रिनोज के एस्टिमेट से काफी कम होता है। यानी कि हमारे कैलकुलेशन के अनुसार जितने न्यूट्रिनोज पृथ्वी पर आने चाहिए थे उतने आ नहीं रहे हैं। तो ये बीच के न्यूट्रिनोज आखिर गए तो गए कहाँ? वेल, देखो, इसका रीजन तो ये है कि न्यूट्रिनोज एक नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, मुओन न्यूट्रिनोज और टाउ न्यूट्रिनोज। अब सूरज की सरफेस से पृथ्वी की ओर चलने वाले सारे न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज ही होते हैं, लेकिन रास्ते में ये दूसरे टाइप्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और अल्टीमेटली हम उन्हें सही से डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब दूसरी बात, हम ये जानते ही नहीं है कि न्यूट्रिनोज का एग्जैक्ट मास क्या होता है। और दोस्तों, हमारा मेन सवाल न्यूट्रिनोज का नंबर नहीं बल्कि उनका मास ही होता है। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि न्यूट्रिनोज के पास कोई मास भी है? अब देखो, यूनिवर्स का एक रूल है कि जो भी चीज समय के साथ बदलती है उसमें मास जरूर होता है। अब सूरज से पृथ्वी की ओर आता इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो अगर मूव ऑन न्यूट्रिनो या टाउ न्यूट्रिनो में बदल रहा है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम तो जरूर लग रहा होगा। अब जिसे टाइम नहीं लगता वो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है फोटोन। और दोस्तों, फोटोन के पास कोई भी मास नहीं होता और इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि न्यूट्रिनोज के पास मास जरूर होता है। लेकिन आखिर इन घोस्ट पार्टिकल्स में ऐसा क्या है कि हम इंसान इनके बिना जी ही नहीं पाएंगे? क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि हर सेकंड करोड़ों न्यूट्रिनोज हमारे बॉडी से लगातार पास होती रहे? जवाब है जी नहीं। आपकी बॉडी से न्यूट्रिनोज के पास होने और आपके सेंसेस चलने के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है।
पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है उसमें न्यूट्रिनोज के एमिट होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यही न्यूक्लियर फ्यूजन हमें वो एनर्जी देता है जो हमारी लाइट के लिए जरूरी है। बीटा डीके, जिसकी मदद से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, उसमें भी न्यूट्रिनो एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अब अगर न्यूट्रिनो ना होता तो यूनिवर्स में वो करोड़ों प्रोसेसेस हो ही नहीं पाते जिन्होंने अल्टीमेटली लाइफ की फॉर्मेशन की है। यूनिवर्स के दूसरे मोस्ट एवेंडेंट पार्टिकल्स के रूप में हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन और उसको स्ट्रक्चर देने में भी न्यूट्रिनोज का अहम योगदान रहा है। अब देखो, भले ही आज ये पार्टिकल हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन जब ये मिस्ट्री डिकोड होगी तो हमें इसके कई राज जरूर पता चलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्स में ये न्यूट्रिनोज ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इनका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिससे हम आज तक अनजान है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।